अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाने में बहुत कम वक्त लगता है और बहुत ही कम सामान की जरूरत भी पड़ती है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं गुड़ है। गुड़ की जो वाटी आती है उसको मैंने पानी डालकर मेल्ट कर लिया है और मेल्ट होने के बाद इसकी क्वांटिटी 3/4 कप होनी चाहिए। और ये 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी मैंने लिया है। ये 1.5 कप के करीब चावल का आटा लिया है और ये छोटी इलायची का पाउडर है और ये नमक है। ये थोड़ा थोड़ा चुटकी भर जाएगा। और इसके अलावा हमको कोकोनट मिल्क चाहिए। अगर बाजार से आपको कोकोनट मिल्क मिल जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे खोपरे की वाटी चाहिए। ऐसा कच्चा जो खोपरा आता है इसको ले लीजिए और इसको मिक्सर में पीस के पानी डाल डाल के हम कोकोनट मिल्क तैयार कर लेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि इस खोपरे को इस खोपड़ी से कैसे अलग किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको गैस पे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी तो ये बहुत इजीली निकल आएगा। तो चलिए, खोपरे को मैंने इस तरह गैस जला के इसके ऊपर रख दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। इस तरीके से पकड़ के घुमा घुमा के चारों तरफ अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। चलिए अब इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं इस तरह। आप चाकू की मदद से इसके किनारे पे ऐसे करेंगे और ये देखिए निकल आएगा। इस तरीके से घुमा लेंगे तो ये निकल जाएगा इजिली। चारों कोनों से जब करेंगे तो देखिए ये फिर इस तरीके से आपका निकल आएगा। ये इस तरीके से निकल आएगा। मैंने खोपरे के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल के हम इसको पीसेंगे। तो चलिए पहले पीस लेते हैं। ये मैंने कोकोनट को पीस लिया है। अब इसको एक छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए जो नीचे पानी गिर रहा है वो हमारा कोकोनट मिल्क है। इसको कुछ चम्मच से ऐसे दबा दबा के इसका पानी निकाल लीजिएगा और फिर दोबारा इसको मिक्सर में डालिएगा, उसके अंदर पानी डालिएगा और फिर इसको पीसिएगा और फिर इस तरह छन्नी में डाल के छानिएगा तो हमारा फिर कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 500 ml के करीब कोकोनट मिल्क तैयार कर लिया है। और ये जो आपका बचेगा इसको फेंकिएगा नहीं, ये कोरमे का सालन बनाने वगैरह में काम में आ जाएगा। अब आप या तो फ्राई पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें सबसे पहले कोकोनट मिल्क डाल दीजिए जो आपने 500 ml के करीब बनाया है। फिर इसमें चावल का आटा डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम गुड़ भी डाल देंगे, जो हमने 3/4 कप के करीब गुड़ लिया था वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल का आटा, कोकोनट मिल्क और गुड़ खूब अच्छे से मिक्स होना चाहिए। चावल के आटे की इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अब इसको गैस पे हम लो मीडियम फ्लेम पे रख के पकाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पे रख के इसको पकाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा शुरू होना हो गया है। अब इसे इस स्टेज पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे और चुटकी भर नमक डाल देंगे। डाल के पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे। ये देखिए ये और गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं, इसको अभी हम और पकाएंगे। थोड़ा सा और घी डालेंगे और डाल के इसको पकाएंगे। ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो घी लिया था सारा मैंने डाल दिया। ये थोड़ा सा और बचा है, इसको भी डाल देंगे और डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए ये कढ़ाई का बॉटम छोड़ने लगा है। ये हमारा हो गया है तैयार। जब इस तरीके से ये कढ़ाई का बॉटम या जो भी आप फ्राई पैन लेंगे उसका छोड़ने लगेगा तो ये तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसको उतार लेते हैं। ये हमारा हो गया है। एक बर्तन लेंगे जिसमें इसको डालना है, उसको देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास थाल है तो आप थाल ले लीजिएगा और उसको इस तरह ग्रीस कर लीजिएगा और फिर जो आपने तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे हम। इसको चारों तरफ से किसी चम्मच से, या मेरे पास ये स्पैचुला है इससे मैं इसको चिकना कर लूंगी, अच्छे से इसको सेट कर लूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा। एक चाकू लेंगे और इसके किनारों को चारों तरफ से क्लियर कर देंगे।
और फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको ऐसे उलट देंगे। इस तरीके से हम इसको प्लेट में ले लेंगे और अपने और पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे। मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने मनचाहे पीसेस में कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा चावल के आटे, गुड़ और कोकोनट मिल्क से बना हुआ मीठा तैयार हो गया है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं, आप लोग भी इसे बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, देखिए बच्चे बहुत खुश होंगे। तो फिर आप अपना कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।